नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज शाम की कुछ खास खबरों पर। जब ग्रामीण ने सुनी पानी के टैंक से तेंदुए की दहाड़। कंठाघाट की ग्राम पंचायत तुंदल के थाना गांव में बने पानी के टैंक में बीती रात्रि एक तेंदुआ पाया गया। गांव के लोगों को इस बारे में पता तब चला जब रात्रि को तेंदुआ जोर जोर से दहाड़ने लगा। आवाज सुनकर टैंक के समीप बने घर के सदस्य टैंक की तरफ गए तो उन्होंने पाया कि टैंक में से किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज आ रही है। जैसे ही लोगों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो पाया कि एक तेंदुआ टैंक में जा गिरा है। गांव के लोगों ने इसकी सूचना पंचायत प्रधान चित्ररेखा को दी। नैना देवी में घरों दुकानों में घुसा बारिश का पानी। भाकड़ा डैम नंगल मार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश में हो रही तेज बारिश के कारण जगह जगह से नुकसान होने की सूचनाएं मिल रही हैं। मनाली के बरुआ गांव में जहां लोगों के घरों में नाले का पानी घुस गया, वहीं पर जिला बिलासपुर की ऊंची पहाड़ियों पर तेज बारिश के कारण शक्तिपीठ नैना देवी में घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। तेज बारिश के चलते हुए भूस्खलन के कारण भाखड़ा डैम नंगल नैना देवी मार्ग बंद हो गया, जिसके चलते नंगल डैम जाने वाले श्रद्धालुओं को बाया आनंदपुर साहिब भेजा गया है। तेज हवाओं व बिजली कड़कने के कारण नैना देवी में विद्युत सप्लाई भी ठप पड़ गई। खिड़की के पर्दे का फंदा बना, कॉलेज के छात्र ने लगा लिया मौत को गले। हिमाचल प्रदेश में आए दिन आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जिला शिमला के थाना बालूगंज के तहत समर हिल का है। यहां पर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे 19 वर्षीय छात्र ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार संतोष कुमार पुत्र धनीराम निवासी गांव भारदल तहसील आनी लोअर सांगटी समर हिल में कंवर निवास में अपने बड़े भाई के साथ किराए पर रहता था। वो कोटशेरा कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र था। संतोष कुमार ने बीती रात खिड़की का पर्दा निकालकर कमरे में फंदा लगा लिया। संतोष के भाई का कहना है कि ये 10-15 दिन पहले ही घर से आया था। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए IGMC भेज दिया। कांग्रेस ने किया बापू की प्रतिमा के सामने मौन प्रदर्शन। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुए दलित हत्याकांड का मामला गहराता जा रहा है। कांग्रेस ने आज कुल्लू में दलित व्यक्ति परसराम की हत्या व उनकी पत्नी पर किए गए जानलेवा हमले को लेकर न्यायिक जांच की मांग की है। 32 लाख रुपए से ऐसी सड़क बनाई जिस पर गाड़ी ही नहीं चढ़ पाई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जनता के पैसों की जमकर बर्बादी हो रही है। नगर निगम का एक ऐसा कारनामा मेयर सत्या कौंडल के संजौली वार्ड में सामने आया। यहां नगर निगम ने 32 लाख रुपए खर्च कर संजौली चौक से अपर नॉर्थ ओक के लिए एम्बुलेंस रोड तो तैयार करवा ली, लेकिन इसमें चढ़ाई इतनी तीखी है कि एम्बुलेंस तो क्या बाकी की गाड़ियां भी नहीं चढ़ पाई। स्थानीय लोगों ने जब नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए तो निगम ने तुरंत ही इस सड़क को तोड़कर इसकी रीग्रेडिंग शुरू कर दी।